ये क्या हो रहा है देश में, इतनी नफरत फैली। ये 9 साल में जितनी नफरत फैली हमने इतनी नफरत कभी नहीं देखी है पूरे देश के अंदर। आप खुद देखिए, देश का रक्षक किस तरह से भक्षक बन गया। आरपीएफ का जवान चेतन सिंह जयपुर से मुंबई आ रही हुई ट्रेन के अंदर बैठता है, अंदर सबसे पहले वो अपने बॉस मीना साहब को गोली मार देता है। उसके बाद में वो आइडेंटिफाई करता है दूसरी कोच में एक मुसलमान व्यक्ति को, दाढ़ी वाले को, उसको गोली मारता है। दूसरे बोगी में जाता है, वहां उसको आइडेंटिफाई करता है मुसलमान को, वहां गोली मारता है। आगे जाता है, एक और मुसलमान को आइडेंटिफाई करता है दाढ़ी टोपी से, उसको गोली मार देता है। वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से अपनी सर्विस की गन से गोली मार देता है। एक मुसलमान व्यक्ति नीचे पड़ा हुआ है जमीन में, उसको गोली लगी हुई है, उसके पास वो खड़ा है और वहां से भाषण देता है कि देश में रहना है तो फला फला करना होगा, देश में रहना है मोदी योगी का नाम लेना होगा। अरे किसने रेडिकलाइज किया इसको? इतना एक्सट्रीमिज्म कहां से आ गया इनके अंदर? किस शाखा से ये आते हैं? ये वजह है। आप बोलते हो कि ये मेंटली अनस्टेबल है। अरे कोई अनस्टेबल नहीं है, पूरा दिमाग के साथ उसने मुसलमानों को आइडेंटिफाई कर करके 4 जन का कत्ल कर दिया। हम तो इसको टेररिस्ट एक्ट कहते हैं, ये टेररिस्ट एक्ट है। ये क्यों होता है इस तरह की घटना है? जब आप बार बार धर्म संसद के नाम पे कहते जाओगे कि मुसलमानों का नरसंहार कर दो, बेटा कलम कागज छोड़ तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दो, धर्म संसद चलते जा रहे हैं, उन पर केस बुक होता है, कोई अरेस्ट नहीं किया जाता उनको। योगी जी बोलते हैं ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी इस्तेमाल करो। भाजपा के मंत्री आए दिन देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश डैश। रस्ते पर पुलिस के सामने खड़े होकर नारे लगाए जाते हैं, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। अब पुलिस खड़ी है, प्रशासन कुछ नहीं करता उनके लिए। मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है मुसलमान व्यक्ति सिर्फ गाय के शक की बुनियाद के ऊपर। जब वो बेल पे आता है उसको बीजेपी वाले जाके फूल हार गार्लैंड पहनाते हैं, उसको मिठाई खिलाते हैं। तब इस तरह की मानसिकता जागृत होती है, उस तरह की आतंकवादी घटना को लोग अंजाम देने आते हैं। बहुत निंदनीय घटना है। हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र सरकार इस आतंकवादी दरिंदा चेतन सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इसके किस किस से तार जुड़े हुए हैं, इसके व्हाट्सएप फेसबुक सारी लिंक चेक करनी चाहिए और इसका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। इसको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। ये कोई पागल नहीं है, कुछ नहीं है, सोची समझी साजिश के जरिए इसने इतनी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है। 4 लोगों का कत्ल कर दिया गया है उसमें। अब देखिए कौन संभालेगा उनके बच्चों को, जो बेचारे आज बिना बाप के हो गए। एक का हैदराबाद के अंदर हमारी पार्टी तो सपोर्ट कर रही है उनके घर वालों को, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम चाहते हैं कि मोदी जी अब भी सख्त कानून बनाइए, रोकिए इन बेलगाम घोड़ों को, वरना किस दिशा में आप देश को लेकर जाना चाहते हो? इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनना बहुत जरूरी हो गया है हमारे देश के अंदर।